नमस्कार, आप देख रहे हैं यस टीवी। यमुनानगर पहुंचे आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिंद ने अपने अंदाज में हरियाणा की खट्टर सरकार को घोटालों की सरकार बताया। मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक भ्रष्टाचार से लिप्त। इसी कड़ी में नवीन जयहिंद ने यमुनानगर पहुंचकर कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली और उन्होंने अपना लक्ष्य ध्यान में रखकर काम करने की सलाह दी। हरियाणा की जनता बीजेपी को 75 पार नहीं शमशान पार भेजेगी। जिस तरह बीजेपी के कांड है, जिस तरह आम आदमी को परेशान किया, जिस तरह बेरोजगारों का बैंड बजाया है, जवान किसान, जिस तरह कानून व्यवस्था के नाम पे जंगल राज है, पूरा हरियाणा परेशान है इनसे। इनको अब की बार बीजेपी को शमशान पार भेजेगा। देखिए, आज के दिन हरियाणा के एक नंबर मंत्री, 1000 करोड़ का रोडवेज घोटाला कृष्ण पवार, 2 नंबर के मंत्री कृष्ण बेदी सामाजिक न्याय, SC BC छात्रों का 300 करोड़ का घोटाला, रोडवेज जो घोटाला है उसमें फाइल राव नरबीर सिंह है जो उनके वहां तक गई, फर्जी डिग्री का उनके ऊपर मामला चल रहा है, मनीष ग्रोवर जिनके ऊपर FIR हुई है गुंडागर्दी करने की, अगर थोड़ी भी शर्म बची हुई है तो भाई साहब इनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए और मुख्यमंत्री खट्टर साहब को तुरंत इस्तीफा ले लेना चाहिए अगर थोड़ी भी शर्म है। भाई साहब, एक जानकारी दे दूं, इस रोडवेज स्कीम जो घोटाला थी ना, किलोमीटर मुख्यमंत्री के वहां से, मुख्यमंत्री के ऑफिस से फाइल पास होके आ रही है। अब आप मतलब छिपकलियों को पकड़ रहे हो, मगरमच्छों को छोड़ रहे हो। छिपकलियों ने थोड़ी कुछ कह रहा है, चुटमुट कर रहा है। 1000 करोड़ रुपए अधिकारी खाएंगे क्या? अधिकारियों को बली का पकड़ा बनाया जा रहा है, इनके मंत्रियों को पकड़ो ना। 1000 करोड़ रुपए का मामला भाई साहब। यमुनानगर ब्यूरो रिपोर्ट, यस टीवी। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए यस टीवी।